नमस्कार, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कृषि से जुड़े नए कानूनों पर सरकार को सहमति तैयार करनी चाहिए थी। 3 साल में सीवर सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 288 लोगों की मौत, कहना है सरकार का। देश भर में 75,000 नए मामले, कुल मामलों की संख्या 55 लाख के पार पहुंची। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को चाहिए था कि कृषि से जुड़े हुए नए कानूनों को इस तरह पारित करवाने के बजाय राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों और अन्य स्टेक होल्डरों से सलाह लेती। न्यूज क्लिक के साथ एक खास बातचीत में पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन ने कहा कि इन कानूनों के भारतीय किसानों की जिंदगी और आजीविका पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। आइए सुनते हैं सिराज हुसैन को। देखिए, इसकी जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में तो हमारा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। वो तो आपके दर्शक अपने आप फैसला करें कि पॉलिटिक्स में कौन सही है, कौन गलत है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये तीनों कानून गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से ज़ेरे बहस हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है 20 साल से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मॉडल APMC लॉ सर्कुलेट किया, उसके बाद कई बार राज्य सरकारियों की कमेटियां बनाई गई, चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी, एक लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी सर्कुलेट हुआ, पहले वो APMC लॉ का ही हिस्सा था, उसके बाद में 2018 में अलग से लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सर्कुलेट हुआ जिसको APMC से बाहर निकाल दिया गया। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में भी बहुत सालों से ये डिबेट हो रहा है कि इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ट्रेड को ये डर रहता है कि कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, और चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया था कि इसको इसकी मौजूदा शक्ल में तब्दीली लाने की जरूरत है। तो ये जो तीनों नए कानून सरकार लाई थी अध्यादेश के माध्यम से, इनमें कोई ऐसी बहुत नई चीज नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी जानकारी नहीं थी, ये डिस्कशन में थे। ये अलग बात है कि अध्यादेश के माध्यम से ये कोरोना के बीच में आ गए और इसलिए इस पर शायद जो डिबेट वाजिब था वो नहीं हो सका। सिराज हुसैन जनाब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 5 जून वो जो महामारी के बीच अध्यादेश लाया सरकार ने, आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि APMC जो कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो कृषि उत्पादन वाणिज्य और व्यापार जो समिति होते हैं, मंडी सिस्टम जो है, इसके ऊपर भी आज बहुत साल से, बहुत दशक से चर्चा चल रहे हैं। अब ये भी ठीक है, ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 55 साल में शुरू हुई थी, ये कानून, ये आवश्यक वस्तु के बारे में जो कानून है, इसके ऊपर भी हम लोग बहुत दिन बातचीत कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े कंपनियों के साथ जो ठेका कृषक को होगा, इसके विषय भी। तो ये क्या, जिस तरह से सरकार ने कानून लाया, इसीलिए लोग आज आपत्ति जना रहे हैं? राज्य सरकार के साथ बातचीत नहीं करके अनुमति तो भूल ही जाइए, विरोधी दल से बातचीत नहीं करके, और लग रहा है हमें कि सरकार इनसे चर्चा भी करना नहीं चाहते हैं, तो लोग आज यही आपत्ति जना रहे, बोल रहे कि आप किसी के बात क्यों सुनने नहीं चाह रहे। आप सचमुच अगर ये किसान के हित में है, तो आप जो भी लोग कह रहे, विरोधी दल जो भी टिप्पणी कर रहे, जो भी आलोचना कर रहे, ये सुनने के लिए आप क्यों तैयार नहीं है? सरकार, मोदी जी, आप क्यों बात सुनने चाहिए? यही सवाल उठ गया। इट इज नॉट ओनली द एक्ट बट द वे इट हैज बीन इनएक्ट। और इसके बारे में तो पॉलिटिकल लोग ही बता सकते हैं कि उनको क्या मसलहत लगी कि इसको इतनी जल्दी में कानून बनाया जाए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि जो इस तरह के कानून हैं जिनमें राज्य सरकारों का ज्यादा बड़ा रोल है, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कानून है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, हालांकि उसमें ट्रेड की एंट्री को लेके कॉन्करेंट लिस्ट से ये कानून बनाए गए हैं, तो उनमें बेहतर ये होता है कि एक कॉन्सेंसस बिल्डिंग की कोशिश की जाए और पार्लियामेंट की कमिटीज में उन पर डिस्कशन हो और उसके बाद कानून बनाए जाए। आज जो लेख मैंने मनी कंट्रोल में लिखा है उसमें यही बात कहने की कोशिश की है कि अब इसका जो आगे का रोड मैप है अगले 10 साल का, उसके लिए भी एक कंसेंसस बनाने की जरूरत है कि PDS का क्या रूप होगा अगले 10 सालों में,
पीडीएस को कितना हम डीबीटी के माध्यम से इंप्लीमेंट करेंगे, कितना हम फिजिकल ग्रेन्स में कंटिन्यू करेंगे। पीडीएस के मतलब है जो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, और ये डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो भी सब्सिडी अनुदान जो लोगों को मिलेगा सीधा उनका बैंक के खाता में आ जाएगा, यही आप कह रहे हैं तो जी। सुरेश भूषण जी, ये विषय के ऊपर बहुत साल से चल रहे हैं। आप जैसे कहा, हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, आज लोग कह रहे हैं आप इस विषय के ऊपर आप एकदम राज्य सरकार के कोई जो भी राय है आप उनसे बात क्यों नहीं किया। ये देखिए, आपने कहा जो ये कृषि ये जो विषय है ये राज्य का विषय है, मगर मगर आप जैसे कहा जब व्यापार होता है, जब होता है, जब खाद्यान्न की चीजें हैं, जब 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 ये जो कृषि क्षेत्र का जो अलग अलग सामग्री है एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो एक तरह से ये एक समिति सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट में चले जाते। तो आज लोग कह रहे हैं कि ये सरकार सचमुच ये फेडरल स्ट्रक्चर या जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बात आप करते हैं, ये संघीय ढांचा मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र जो कहेंगे यही होना चाहिए, यही जो है ये संदेश आ रहा है जिस तरह से नया कानून लाया। इसमें राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच में जाहिर है कि मतभेद हैं, और जहां तक मुझे मालूम है अभी तक किसी राज्य सरकार ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, इन ऑर्डिनेंसेस को या इन एक्ट्स को। अभी एक्ट तो नहीं बने हैं, अभी प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद ये एक्ट बन जाएंगे, तो जब इसका लीगल चैलेंज होगा तब शायद इसकी लीगैलिटी पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। लेकिन बहरहाल तब तक हम ये मानेंगे कि ये कानून लीगल हैं और इन पर अमल दरामद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सरकार एक तरह से गलत खबर गलत फहमी फैला रहे कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम जो मूल्य है, जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी, ये हटाना चाह रहे। सरकार कह रहे नहीं, मैं नहीं हटाना चाहता हूं, हम लोग नहीं चाहते कभी इसको हटाना। मगर जिस तरह से ये जो एमएसपी के बात हम जब करते हैं, क्यों लोग आज परेशान है, क्यों आज लोग इतने, सरकार मोदी जी खुद कह रहे कि हम नहीं हटा रहे, क्यों फिर भी इतने लोग क्यों उनके बात विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये कानून जो तीनों बनाए गए हैं अभी बन रहे हैं, इनका एक पस मंजर है, और इसका पस मंजर ये है कि शांता कुमार कमेटी ने एक रिपोर्ट दी 2015-16 में, जिसमें ये कहा गया, कई तरह की संस्तुतियां उसमें की गई, उसमें कुछ खास बातें ये हैं, सरकार से ये गुजारिश की गई कि आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो कवरेज है 67% उसको घटा के 40% करिए, और बाकी लोगों को जो आप देना चाहते हैं अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो आप उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दीजिए। इसका मतलब यह है कि अगर कवरेज को घटाने की संस्तुति है तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट की ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है 65-66 मिलियन टन वो कम हो जाएगी, और अगर वो जरूरत कम हो जाएगी तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी कम करने की जरूरत होगी। तो इस पसमंजर में किसानों के सामने ये बात है और राज्य सरकारों के सामने ये खौफ है इस तरह का कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार जो शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद करने की दिशा में कदम उठा रही है और पीडीएस को कम किया जाएगा, फिजिकल ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो लोग अहल हैं उनको धनराशि दी जाएगी। इसकी वजह से ये एक कमोशन जैसी स्थिति पंजाब और हरियाणा में है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोक्योरमेंट का फायदा होता है धान का और गेहूं का वो इन्हीं दो राज्यों में होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में सीवर या सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय कुल 288 लोगों की मौत हो गई।
जबकि इसके एक दिन पहले राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि देश में पिछले 10 वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 631 लोगों की जान गई है। हालांकि गैर सरकारी संगठन ये आंकड़े और भी ज़्यादा बताते हैं। एनसीएसके का भी कहना है कि आंकड़े विभिन्न स्रोतों से मिले हैं और जानकारी के आधार पर हैं और वास्तविक आंकड़े इससे अलग हो सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने सोमवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी कि राज्यों से मिली रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त 2020 तक पिछले 3 वर्षों के दौरान सीवर या सेप्टिक टैंकों में सफाई करते समय 288 कर्मियों की मौत हो चुकी है। अठावले ने कहा कि 18 राज्यों के 194 जिलों में 2018-2019 के दौरान मैला ढोने वाले लोगों का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाया गया था। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार सर्वेक्षण में 51,835 मैला ढोने वाले लोगों की पहचान की गई, जिनमें से 24,932 लोगों की उत्तर प्रदेश में पहचान की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 22 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 75,083 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,053 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच एक अच्छी खबर यह सामने आई है कि पिछले 24 घंटों में 101,468 मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। अगर हम पिछले 4 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 4 दिनों में नए मामलों की अपेक्षा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है और साथ ही एक्टिव मामलों में 41,893 लोगों की कमी आई है। देश भर में अब कोरोना मामलों की संख्या 55,62,663 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 80.85% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 44,97,867 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन अब तक कुल 88,935 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 10,03,299 से घटकर 9,75,861 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 6,53,25,779 सैंपल की जांच की गई, जिनमें से 9,33,185 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और साथ ही देखिए हमारी हिंदी वेबसाइट hindi.newsclick.in। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।